गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ सिक्स फिफ्थ क्लास. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, चैप्टर थ्री, हाउ मेनी स्क्वायर्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर ऑफ वर्कबुक देयर हैव इन दिस पिक्चर देयर हैव सम मिस्टेक. इट इज नॉट सुड टू प्रिंट इन दिस बुक्स फॉर द फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स. So students, we correct and understands overview of this chapter. Okay, how to measure, how to find the perimeter in easily, you can understand. Okay, देखो students, workbook में top side में कोई भी heading के पास में देखो इस bracket में ऐसे लिखा हुआ है ना, एक box draw किया हुआ है, box के बाद में एक equals दिया हुआ है और इक्वल्स के बाद में क्या 1 into 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, एस क्यू मीन्स स्क्वायर, सी एम मीन्स सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट्स, एस क्यू, स्क्वायर और सेंटीमीटर कोई भी शेप्स का जो सरफेस है, सरफेस किसको बोलते हैं, देखो ये जो बुक है, बुक की ऊपर की साइड में जितना भी प्लेन, ये प्लेन प्लेन है ना, टोटल इस प्लेन का टोटल मेजरमेंट कितना है. ओके, तो मतलब क्या है, इस साइड में कितना मेजरमेंट है, इस साइड में कितना मेजरमेंट है, दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल निकल जाएगा. मतलब ये जो बड़ा दिख रहा है, ये लेंथ, ये क्या होता है, लेंथ बोलते हैं, और ये क्या बोलते हैं, ब्रीथ बोलते हैं. तो लेंथ के साथ ब्रीथ मल्टीप्लाई करोगे, इसका ऊपर की साइड में सरफेस निकल जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, ये प्लेन निकल जाएगा, इसका कितना एरिया है ये निकल जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, वैसे ही देखो, इधर 1 into 1 दिया, इसका मतलब है इधर भी 1 है सेंटीमीटर है और इधर भी 1 सेंटीमीटर है. तो देखो इधर भी 1 into इधर भी 1, तो एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए, 1 into 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. मतलब क्या होता है ये 1 into 1, मतलब 1 ही होगा, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. मतलब ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, इसका एरिया क्या होगा स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया क्या होगा, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. सिमिलरली ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है ना, ये बॉक्स सभी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है. ये भी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, 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 सारे 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, यू कैन फाइंड आउट इजीली द एरिया ऑफ होल द शेप. ओके, कैसे देखो, अगर एक का कितना है 1, तो दो का क्या होगा 2, तो टोटल नंबर काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो स्टूडेंट्स, यू कैन राइट द इजीली 15 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, जैसे मैं ये बुक का एग्जांपल दिया था, ये आ गया लेंथ, ये आ गया ब्रीथ. तो स्टूडेंट्स, ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसे ये आ गया लेंथ, ये आ गया ब्रीथ. तो लेंथ क्या है आपको पता चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा कैसे, कितना बॉक्स है काउंट कर लो इस लेंथ में, 1 2 3 4 5, तो आ गया 5. और ब्रीथ में कितना बॉक्स है, 1 2 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3, आ गया आपके सरफेस एरिया 15, 3 5 15 स्क्वायर सेंटीमीटर. ऐसे भी कर सकते हो, ये बहुत इजी रहेगा और इसमें टाइम लगेगा आपको, काउंट करने में बहुत टाइम लगेगा. सो स्टूडेंट, यू कैन इजीली फाइंड आउट लाइक दिस 1 into 1, so 5 into 3, this is easily you can find the area of the any shape which 1 square centimeter is here for each box. Okay, next students, आपको मैं according to the question number 1 ये समझा रहा हूँ कि आपको perimeter कैसे निकालना है, perimeter कैसे निकालोगे. पहले मैं बताया था कि पेरीमीटर कैसे निकालना है, अभी वापस बताता हूँ कि पेरीमीटर आप कैसे निकालो. पेरीमीटर मतलब क्या होता है, बाउंड्री ऑफ द शेप.
इस शेप टोटल शेप का बाउंड्री क्या होता है। अगर स्टूडेंट सपोज मैं ये एक शेप ड्रॉ किया, इस शेप का बाउंड्री क्या है, ये जो बाहर का लाइन दिख रहा है यही है बाउंड्री, है ना। ये जो बाहर का लाइन है ये है इसका बाउंड्री, बाउंड्री ऑफ द शेप। तो पेरीमीटर यही है लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द शेप। तो लेंथ क्या है, मतलब इधर से इधर तक प्लस इधर से इधर तक प्लस इधर से इधर तक प्लस इधर से इधर तक, टोटल जितना है। जैसे मैं इधर एक नाम दे दिया ए बी सी डी, तो लेंथ कैसे निकालोगे, ए प्लस बी सॉरी ए बी मतलब इधर से इधर तक लेंथ क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये टोटल आ गया आपके पेरीमीटर ऑफ दिस शेप, मतलब बाउंड टोटल बाउंड्री का लेंथ कितना है यही है इसका पेरीमीटर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, तो देखो कैसे आप पेरीमीटर निकालोगे इस शेप का, ऊपर जो दिया हुआ है बॉक्स है ना, ये जो शेप है इसका आपको पता है एवरी बॉक्स का वन मीटर लेंथ सॉरी वन सेंटीमीटर लेंथ वन सेंटीमीटर ब्रीथ है, मतलब इधर भी वन है इधर भी वन है। तो स्टूडेंट्स आपको पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू, देखो इसमें कितना बॉक्स है, वन टू थ्री फोर फाइव, तो आ गया फाइव सेंटीमीटर आ गया, प्लस इधर कितना है वन टू थ्री, तो थ्री सेंटीमीटर आ गया, प्लस इधर कितना है वन टू थ्री फोर फाइव, तो इधर आ गया फाइव सेंटीमीटर वापस, तो इधर कितना आया वन टू थ्री, तो स्टूडेंट्स प्लस थ्री सेंटीमीटर। देखो दोनों साइड में सेम टू सेम है, इस साइड में फाइव है तो इस साइड में भी फाइव है, और इस साइड में थ्री है तो इस साइड में भी थ्री है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ऐसा होता है कि दो बोथ साइड्स आर इक्वल्स, दोनों ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल्स, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स सॉरी ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, दिस इज द रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज। और रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज में टू साइड्स मतलब लेंथ, दो लेंथ जो है लेंथ इक्वल टू, और ब्रीथ के साथ ब्रीथ इक्वल्स होता है। सो स्टूडेंट दो बार फाइव आया और दो बार थ्री आया, ओके तो इसको टोटल एडिशन करोगे तो क्या मिलेगा, थ्री प्लस फाइव एट, एट प्लस फाइव थर्टीन, थर्टीन प्लस फाइव थर्टीन प्लस थ्री सिक्सटीन। सो स्टूडेंट सिक्सटीन सेंटीमीटर आ गया, मतलब सिक्सटीन सेंटीमीटर क्या है पेरीमीटर। कैसे पेरीमीटर, इधर से आप स्टार्ट करोगे, इधर से टोटल इधर तक लेंथ, मतलब इस शेप का जो बाउंड्री है बाउंड्री का लेंथ हो गया इसका पेरीमीटर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट एक डिफरेंट चीज आपको बताऊंगा, जैसे क्वेश्चन नंबर टू में कहा गया है ड्रॉ एनदर टू रेक्टेंगल्स विद ए पेरीमीटर ऑफ 18, जैसे इधर लिखा हुआ है, ओके ये जो 18 है 18 सेंटीमीटर पेरीमीटर वाला, और भी शेप दो शेप ड्रॉ करना है, इसीलिए हमको एक चीज करना चाहिए इससे पहले, क्या ये जो 18 है 18 कौन सी टू नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है। जैसे देखो 1 इंटू 18 इज इक्वल टू 18 होता है, ओके 2 इंटू 19 इज इक्वल टू 18 होता है, 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18 होता है, ओके आफ्टर 4 इंटू समथिंग 18 नहीं आता है, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 नहीं आता है, 6 से वापस मल्टीप्लाई करो तो वापस 18 आता है, 6 इंटू 3 मतलब 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18 आता है। आफ्टर 7 से भी 18 नहीं आता है, 7 की टेबल में 80 की टेबल में 18 नहीं आता है, 9 की टेबल में आता है तो 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18, और 18 इंटू 1 इज इक्वल टू 18 मतलब 18 इज इंटू 1 18, और 1 इंटू 18 इज इक्वल टू 18, ओके स्टूडेंट। सो वी कैन से दैट लाइक अरेंज, वी कैन से वी कैन इजीली अरेंज लाइक दिस, इतने टाइम में हम अरेंज कर सकते हैं बॉक्स को। तो कैसे देखो, जैसे पहले 1 इंटू 18 मतलब क्या है, इधर 1 बॉक्स रहेगा ब्रीथ में और लेंथ में 18 बॉक्स रहेगा। कैसे देखो, इधर 1 बॉक्स, इधर और नहीं होगा ओनली 1, तो आ गया देखो इसको 18 में पार्ट डिवाइड कर दो, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 आ गया। वापस आरो और भी लंबा करना पड़ेगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 आ गया टोटल। ऐसे आ गया से मतलब इसका एरिया 1 into 18। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट 18 into 1 करूंगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स? देखो अगर 18 into 1 करना चाहते हो तो क्या करना चाहिए, ये आ गया 1 into 18। लेकिन 18 into 1 करोगे तो कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा, इस साइड में देखो 18 मतलब नीचे की ब्रीद होगा, 18 मतलब नीचे की साइड में 18 होगा और इधर एक ही घर रहेगा ऐसा। ओके ये आ गया 18, कैसे इसको 18 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे 18, तो इस साइड में 18 रह गया और इस साइड में 1 ही बॉक्स है, इस साइड में 1 बॉक्स है और ज्यादा नहीं है, तो ये आ गया 18 into 1। ओके नेक्स्ट देखो हम ड्रॉ करते हैं 2 into 9, मतलब 2 into 9 देखो इस साइड में 2 आ गया, 2 into 9 मतलब इस साइड में 2 और इस साइड में 9 आना चाहिए, तो 9 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो इतना ही आया, उसके आगे नहीं लेने का इतना, तो ये क्या आ गया 2 into 9। ओके स्टूडेंट्स ये आ गया 2 into 9, इसका एरिया क्या होगा 2 into 9 मतलब 18। ऐसे ड्रॉ करना है आपको, 3 into 6 करोगे तो क्या होगा, तो अगर आप 3 into 6 करना चाहते हो इस पैटर्न में, मैं सर पेरीमीटर 18 होना चाहिए। ओके तो 3 into 6 मतलब इधर आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 6। ओके तो ये आ गया 3 into 6, 1, 2, 3 ये आ गया 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आ गया 3 और ये आ गया 6, आ गया 3 into 6। अगर इस पिक्चर को ऐसे दिखोगे तो आ गया 6 into 3 मतलब इस साइड में 6 इस साइड में 3। ओके स्टूडेंट्स ये आ गया आपके पेरीमीटर, मतलब एक सभी का पेरीमीटर 18 ही होगा। देखो कैसे इधर 6 आ गया, इधर 3, वापस इधर 6, वापस इधर 3, 3 + 6 क्या होता है 9, 9 + 6, 15, 15 + 3, 18 आ गया। देखो 18 सेंटीमीटर ऐसे ड्रॉ करना है आपको, 18 पेरीमीटर वाला कोई भी सेम ऐसे ड्रॉ कर सकते हो आप एक्स्ट्रा। ओके ओनली फॉर 18 का ही नहीं, इसमें इसी जगह पर कोई भी जैसे 12 है या फिर 9 है ऐसा भी आप कर सकते हो सेम प्रॉपर्टी यूज करके। ओके स्टूडेंट्स सिमिलरली आपको अगर थर्ड क्वेश्चन देखना है, थर्ड क्वेश्चन में ओनली ऐसे आपको थर्ड क्वेश्चन में वर्कबुक जो है उसी थर्ड क्वेश्चन में जस्ट इसका ऐसे दिया हुआ है 12 square centimeter ये दिया हुआ है, इसको आप डिफरेंट वेज में क्या करना है एरिया रिप्रेजेंट द एरिया इन डिफरेंट वे, जैसे मैं 2 में डिस्कस किया ये सेम टू सेम है स्टूडेंट्स, तो आपको डिफरेंट वे में एरिया रिप्रेजेंट करना है तो आपको क्या करना चाहिए, पहले इसको टेबल की कौन सी टेबल में 12 आता है ये पहले देख लो। देखो 1 की टेबल में 12 आता है क्या नहीं, हाँ 1 into 12 = 1 sorry 12, 2 into 6 = 12, 3 into 4 = 12, 4 into 3 = 12, 6 into 2 = 12 और 12 into 1 = 12। तो ऐसी इतने सारी वे में आप एरिया रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके बाय पिक्चर और बाय दिस फॉर्म, पिक्चर में अगर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे, इधर पहले ही बोला था आपको इधर 1 मतलब इधर 1 मतलब इधर एक ही घर रहेगा, इधर इधर की साइड में एक ही घर और इस साइड में 12 घर। ओके ऐसे 12 घर, ऐसे ही 2 into 6 मतलब इधर 2 घर और इधर 6 घर, टोटल ऐसे 6 घर।
3 × 4, इधर 3 घर और इधर 4 घर, 1 2 3 4, तो इधर तक। ओके, ऐसे स्टूडेंट आपको सेम वे में करना है।